बीजेपी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को समझा नहीं पाई है। मैं ये मानता हूँ बीजेपी अच्छे तरीके से इसके फायदे को समझा नहीं पाई है, इसके लिए किसानों के मन में भय है। और विपक्ष का तो एक ही वो होता है, एक में वो लक्ष्य होता है विपक्ष का, सरकार चाहे विपक्ष की बीजेपी विपक्ष में रहे या कांग्रेस में, उनका एक में वो लक्ष्य होता है जो चीज सरकार करे उसका बस विरोध करो, राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। मैंने आपको बताया कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं क्योंकि वहां पे भी चुनाव है। मेरी बात सुनिए, किसानों की शहादत हो गई जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसान नेता या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या उनकी? उनको ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। फुट मसाज लगवाए हैं लेकिन हेल्थ कैंप और डॉक्टर नहीं रखा है उन्होंने, क्यों नहीं रखा? ठंड लगने से किसानों की मौत हो गई, डॉक्टर नहीं रख सकते हैं? स्पा है, स्विमिंग पूल है, वाटर गीजर है, डॉक्टर क्यों नहीं रखा? मिश्रा साहब बहुत बोली, आप सुनिए मिश्रा साहब, सुन लीजिए आप, डॉक्टर क्यों नहीं रखा उन्होंने? अरे मिश्रा साहब सुनिए व्यक्तिगत मत जाइए ना, व्यक्तिगत मत जाइए। किसान बैठे हैं उनको देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखे, मैं बता रहा हूँ। अगर गाजीपुर बॉर्डर सुन लीजिए, गाजीपुर बॉर्डर पर चले जाइए तो जितने किसान संगठन बैठे हैं, जितने लोग जहाँ जहाँ था अलग अलग बैठे हैं, वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। सिंधु बॉर्डर पर चले आए तो वहां भी ऐसे ही लगभग लगा है। आप पहले गाजीपुर बॉर्डर पर जाइए, सारे सब लोग अलग बैठे हैं, तो जा रहा है देख रहा है, तो मिश्रा साहब आप समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसान नहीं कर रहे हैं, भौगोलिक स्थिति आपने देखा है? नहीं देखा है? पूर्वांचल की जो चीजें है, छोटे छोटे जमीन के काश्तकार है, पश्चिम जैसे बड़े बड़े काश्तकार ने 300 ये तो बात है ना देवेंद्र जी ठीक है, बोलिए। इकलौता ऐसा आंदोलन है, हजारों साल के आंदोलन हुए हैं सभी देशों में, इसके कैरेक्टरिस्टिक को, इसके नेचर को समझ लिया जाए तो सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है, नेचर ये है कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन सारे देश की राजनीति यहीं पे हो रही है। सारी विपक्ष की पार्टियां, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर यानी देश विदेश के भी प्राइम मिनिस्टर, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता इसमें जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के भी बहुत सारे दल यहाँ पे देखो सपोर्ट कर रहे थे, कुछ ऐसी खबरी आए थी। अच्छा, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दूसरा ये देखिए, जो जन आंदोलन होता है, अगर ये गैर राजनीतिक है, इतना ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन मैंने कभी नहीं देखा, जहाँ पे खाना बनाने का अलग डिपार्टमेंट है, रहने का अलग डिपार्टमेंट है। अभी एक हमारे मित्र मिल रहे, रामलीला आंदोलन तो आपको याद होगा ना, 2011 में कपीर जी एक मिनट आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। देखिए, जो छोटा आंदोलन होता है वो उतना ऑर्गेनाइज्ड और उतना मैनेज्ड नहीं होता है। मैं आंदोलन के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। अच्छा, अगर ये आंदोलन पूरे देश के किसानों की समस्या को प्रतिनिधित्व दे रहा होता तो लगभग ये आंदोलन पूर्वांचल में भी होता, बिहार में भी होता। इन किसानों से पूछिए जो केवल एक या दो स्टेट के हैं, ये पंजाब में तो ये बिल लागू ही नहीं है तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में लागू नहीं है तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, तो क्या ये बिहार के भाइयों के किसान भाइयों के लिए आंदोलन कर रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि भाई पहली बार भारतीय इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जिसको कोई नुकसान नहीं वो दूसरों के फायदे के लिए जो है ये आंदोलन कर रहा है। तीसरी चीज आप कहना क्या चाहते हैं? सुनिए, तीसरी तीसरी चीज ये देखिए, मिश्रा साहब आप कहना क्या चाहते हैं? सीधे सीधे बोलिए ना। अरे जब बोलने सीधे सीधे बोलिए, नहीं पता है कुछ, पर देखिए यहाँ साहब आप विश्लेषण सही से नहीं कर पा रहे हैं। मिश्रा साहब एक ही मिश्रा साहब है, विश्लेषण आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो तीन तत्वों की कमी है, विश्लेषण करने में प्रवक्ता तिल मिलाने लगे, आपकी कुर्सियां हिलने लगी क्या? हमने तीन ही पॉइंट रखा है, कुर्सी तो आपकी हिल रही है, हमने तीन ही पॉइंट सही नहीं कर रहे मिश्रा साहब। मिश्रा साहब कुर्सी आपकी खतरे में लग रही है, मुझे लग रहा है कहीं कहीं आप प्रो है, इसलिए आपको खतरे लग रहा है, आपको कुर्सी खतरे में लग रही है। आप लोगों के राजनीतिक हित वगैरह होंगे, हमारा कोई राजनीतिक हित नहीं है। आप सुनिए,
देवेंद्र जी, ये भी तो बात है कि सन 2006 में ही बिहार के अंदर एपीएमसी का पूरा पूरा एक्ट खत्म कर दिया गया था, वहां पर फिर इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? ये भी तो एक सवाल उठेगा ना। देखिए, जहां अशिक्षा गरीबी रहेगी, आप पहले भी कह चुके हैं कि 94% लोग इसे एमएसपी का फायदा नहीं ले पाए हैं और मात्र 6% ही लोग ले पाए हैं, जो प्रथम नंबर पे पंजाब रहा है, सेकंड नंबर पे और हरियाणा रहा है। तो आप सोचिए कि जो संगठित है और जो प्रबल है, जो इसका फायदा ले रहा है, आवाज तो वहीं से उठेगी। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में तो ये पता भी नहीं कौन सा नंबर का धान बोया जाता है, कौन सा नंबर का गेहूं बोया जाता है। वो तो देश जो छोटा छाटा होता है, जो छाड़न होता है, उसको लोग कह देते अरे बहुत बढ़िया है, कंकड़ को भी कह दो बढ़िया है, गोबर को भी कह दो गोबर में लिप करके चला दो, वो भी बोलेंगे किसान। लेकिन किसानों को जानकारी नहीं। देवेंद्र जी, किसान है आप, किसान है आप। देखिए, जिस तरह से लगातार ये दावा किया जा रहा है पंजाब के ही किसानों द्वारा कि हमको नीतियों से नुकसान होगा। देखिए, हट या जिद, चाहे सरकार करे चाहे किसान करे, वो गलत होता है। लॉजिकल बेस पे सारी चीजें होनी चाहिए। किसी इकोनॉमिस्ट से पूछिए कि किसानों की आय दोगुनी और तिगुनी कैसे होगी, वो तो मार्केट से ही होगी, क्योंकि मूल्य तो जो है कस्टमर ही देगा ना, पहली चीज। तो समस्या ये है कि किसानों को 70 सालों में आज तक सभी सरकारों ने बड़े प्रयास किए, एमएसपी फिक्स होने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम का जो है कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। किसानों के मन में जो भय है, वो इस बिल के फ्यूचर का जो एक अननोन भय होता है ना, हर आदमी को फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर अननोन होता है इसलिए फियर फैक्टर होता है। किसानों के अंदर भी ये फ्यूचर फैक्टर है, उनको फ्यूचर जो है अननोन फियर फैक्टर है। उनको लग रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी तो उनके जो है घर की और इन सब चीजों की एक एक न्यू की एक एक ईंट जो है वो गिरवी रखवा लेंगी, खरीद लेंगी। ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी देश के जितने अंग होते हैं, जैसे कृषि, कृषि भी एक अपने देश का विकास में सहायक अंग है। जब तक वो इंडस्ट्री से मार्केट से कोरिलेट नहीं करती है, प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, 50% से ज्यादा रोजगार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 60% से ज्यादा इंडिया में कृषि से होता है, 16% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, 16% को हम 30% 40% कर सकते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, मार्केट को और एग्रीकल्चर को लिंक कर दिया जाए, सिंक कर दिया जाए। जैसे ही ये चीज सिंक होगी, अपने आप प्राइसिंग वगैरह सुधर जाएगी। 30% से ज्यादा अनाज तो रख रखाव की पुअर फैसिलिटी और इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करने में चूहे खा जाते हैं साहब, क्योंकि हमारे यहाँ वेयर हाउसिंग नहीं है, सड़ जाता आ रहे, है। आपके पास आ रहे हैं कपीश जी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को समझा नहीं पाई है, मैं ये मानता हूँ बीजेपी अच्छे तरीके से इसके फायदे को समझा नहीं पाई है। इसके लिए किसानों के मन में भय है, और विपक्ष का तो एक ही वो होता है, एक मेव लक्ष्य होता है विपक्ष का, सरकार चाहे विपक्ष की बीजेपी विपक्ष में रहे या कांग्रेस में, उनका एक मेव लक्ष्य होता है, जो चीज सरकार करे उसका बस विरोध करो। राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, मैंने आपको बताया कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी चुनाव है। तो भारत की पार्टी बीजेपी के एक प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि 280 करोड़ क्विंटल अनाज देश में पैदा होता है और 135 करोड़ की आबादी है, 145 करोड़ इसका मतलब फालतू अनाज होता है। ये बताइए कि विदेश से 1.5 लाख करोड़ सालाना ये अनाज मंगाया क्यों जाता है? अरे अनाज जब बचता ही नहीं है तो किस बात की क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मंगाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऐसे मंगाया जाता है कि कई बार हमारे पास सफिशियंट अनाज होता है, लेकिन गवर्नमेंट डिसीजन लेकर के उसको सोचती है आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्राइसिस नहीं आएगी, तो उसको बाहर भेज देती है। ठीक है, इस पर आएंगे, इस पर आएंगे। कपीश जी, आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कभी बात करें कपीश जी, वो मार्केट के फंडे हैं। नहीं, हम एक ही मिश्रा जी की बात तक कहना चाहते थे। देखिए, प्रोग्रेसिव किसान होना चाहता ऐसा नहीं है, और ना हम विपक्षी दल ये नहीं चाहते क्या कि देश प्रोग्रेसिव हो, हमारा किसान प्रोग्रेसिव हो, बिल्कुल चाहते, लेकिन एक संरक्षण के साथ चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान को एक संरक्षण के साथ आप प्रोग्रेसिव बनाएं। अगर आप एमएसपी दे देंगे, कौन कह रहा है कि बड़े लोगों को मत लाइए, कौन कह रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना कराइए, किसी ने कहा क्या इसका विरोध किया? हम एक चीज कह रहे हैं कि आप उसकी एमएसपी निर्धारित कर दीजिए, खुला मार्केट दीजिए, बीमारियों को आने दीजिए, कम से कम उससे ज्यादा के लिए जितना ज्यादा हो सके वो खरीदे, और उससे जितने ज्यादा हो सके उसमें लाभ पे अपने लिए भी देते हैं। मैं ये चीज ये कैसे पूछना चाहता हूँ कि ये सारी चीजों के साथ जो सबसे बड़ी चीज, अरे पहले इन्हें शांत कराइए, ये तो शुरू हो जाते हैं तो बोलते ही रहते हैं, इनको शांत कराइए पहले। पता नहीं मिश्रा जी को हॉस्पिटलिटी मालूम है कि नहीं मालूम है,
नहीं मालूम है उनको, मालूम है भाई, व्यक्तिगत मत हो इस तरह से, मालूम है उनको, सब मालूम है, उनका भी वो भी अपना कुछ उत्तर दे रहे थे, कोई बात नहीं, इसमें नाराज नहीं होते, इतना नाराज मत होइए कपीश जी, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ना, दिमाग से बात कहीं और चली जाती, नहीं बोलिए बोलिए, मैं एक चीज सिंपल कह रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव हमारा किसान भी होना चाहता, हम सारे लोग होना चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे देश का किसान आगे बढ़े, हम सारे लोग आगे बढ़े, देश आगे बढ़ेगा, बिल्कुल चाहते हैं, एक संरक्षण चाहते हैं कि एक संरक्षण दे दी, अगर आप कम से कम आप एमएसपी का कानून ला के इसको संरक्षण दे दें, कम से कम आप ये अगर कह देते हैं कि साहब कॉन्ट्रैक्ट खेती में अगर किसान को घाटा हो जाता है किसी भी तरीके से तो व्यापारी उसकी जमीन अटैच नहीं करा पाएगा, आप ये कहेंगे जी, ठीक है मिस्टर जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए मैं एक चीज बोल रहा था कि यही एक कम्युनिकेशन गैप है बिल के बारे में, संवाद जो है गवर्नमेंट और किसानों के बीच में। अब इसका एक उदाहरण लीजिए, पहले किसानों की मांग थी कि आप एमएसपी ले आइए, मतलब उसको श्योर करिए, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला एमएसपी है, रहेगी, इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री साहब तो बहुत बात कहे हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पूर्व में क्या क्या बोले हैं, बोलने से नहीं होता, पूछा क्यों नहीं गया, बोलिए 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 बोलिए, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। सवाल ये है, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ कि चूंकि कृषि क्षेत्र अभी भी अपने पांव पे बाजार के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से खड़ा नहीं हो पाया है, संरक्षण होना चाहिए, सारी सरकारों ने बहुत सारे तरीके के संरक्षण दिए हैं, अभी देखिए पीछे जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने ही योजना चलाई थी फसल बीमा की, कि अगर फसल पे ओला पास हो जाए, कुछ पानी बरस जाए, ये नहीं रुकिए, आप कंपनियों को फायदा हुआ, जनता को 13 रुपया मिला, 15 रुपया मिला, जब एग्रीकल्चर और किसान अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, 2 साल 4 साल 10 साल ये बताइए, द्वारा में गए थे, 10 कदम वहाँ किसानों के पास जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, यही बता दीजिए आप, जाना चाहिए था किसानों के पास कि नहीं जाना चाहिए था, अरे जनता से बीजेपी से पूछे ना, ये वाला प्रश्न आप बीजेपी से पूछे, मिश्रा जी, मिश्रा जी का मंतव्य दूसरा है, आप उसको गलत ले जा रहे हैं, नहीं क्योंकि देखिए मिश्रा जी का, नहीं नहीं नहीं, मिश्रा जी का मंतव्य है कि अगर अगर भारत का किसान, कोई भी छोटा किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो इसमें गलत क्या है, वो ये बात बोल रहे हैं, आप बार बार उसको बीजेपी से आप क्यों जोड़ रहे हैं, बीजेपी से संबंधित अगर कोई भी आपको प्रश्न पूछना देवेंद्र जी तो हमारे पास बैठे हुए ना विवेक जी, उनसे आप जो पूछे सीधे, विवेक जी आपके पास आते हैं लगातार जो एक सबसे